हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ पोएट ऑफ नेचर एंड हिज पोएम्स आर फुल ऑफ इंस्पिरेशन एंड मॉरल वैल्यूज। उनकी कविताएं प्रेरणाओं से भरी हुई और नैतिक शिक्षा से भरी हुई होती हैं और इनकी पोएम्स को हम पढ़ करके एक अलग तरीके से, एक अलग नज़रिए से चीज़ों को देखना सीख जाते हैं। चलिए आज की पोएम फायर एंड आइस। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आग में तबाह हो जाएगी। सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ में तबाह हो जाएगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। कि मैंने जो कुछ अभी तक टेस्ट किया है वो है इच्छा। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं उनके साथ हूँ जो फायर का फेवर करते हैं। इस पोएम में फायर इज़ द सिंबल ऑफ ग्रोइंग डिज़ायर फॉर मटेरियलिस्टिक थिंग। फायर ग्रोइंग डिज़ायर होती है, बढ़ती हुई इच्छा इन दुनियावी चीज़ों के लिए। एंड आइस इज़ द सिंबल ऑफ हैटर्ड। आइस जो है वो नफरत का प्रतीक है और फायर जो है वो बढ़ती हुई इच्छाओं का प्रतीक है। तो कवि पहले कहता है कि मैंने सुना है कि दुनिया दो तरीके से तबाह हो जाएगी, या तो बर्फ में तबाह हो जाएगी या ये आग में तबाह हो जाएगी। और इन सब चीज़ों से मैंने डिज़ायर के बारे में काफ़ी कुछ टेस्ट कर चुका हूँ, मैं सीख चुका हूँ और मैं फायर के फेवर में भी हूँ। बट कहते हैं कि इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। अगर इस दुनिया का तबाही दो बार होना हो, इफ़ इट हैड टू डिस्ट्रॉय ट्वाइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। मुझे मालूम चल गया है कि मैं नफरत के बारे में भी काफ़ी जानता हूँ। टू से फॉर इस डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। कि दुनिया के साथ तबाही, बर्फ के साथ तबाही भी बहुत ज़्यादा महान होगी। एंड वुड सफाइस, और सफिशियंट होगी, काफ़ी होगी। On the first occasion, the poet wants to see the destruction of the world with fire. Fire is the symbol of growing desire. And on second occasion, he wants to see the destruction of world with ice. Ice is the symbol of hatred. इस कविता में हमने दो तर्कों को सीखा कि फायर एंड आइस जो अलग अलग चीज़ों के प्रतीक हैं। कवि इन दोनों को देखना चाहता है कि तबाही इनकी कैसे होती है।